हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जिस चीज का मैं रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ये। आप लोग इसे अच्छे से जानते ही होंगे, काफी लोग इसको ट्राई भी करते होंगे। इसका नाम है न्यू एवरयूथ नेचुरल्स नेचुरल ग्लो ऑरेंज पील ऑफ मास्क। ये नई पैकेजिंग से आया है। पहले इसकी पैकेजिंग दूसरे टाइप की थी, वो भी मैंने यूज किया है, मेरे पास था, अब इस समय नहीं है। और ये इसकी नई पैकेजिंग है। और गाइज, इसको किस तरह लगाना है वो मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूंगी। प्लस इसमें जो कुछ चीजें हैं उसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो ये है, इसमें डायरेक्शन कैसे कैसे इसको लगाना है ये दिया हुआ है। और इसकी एक्सपायरी डेट मैं आपको बताती हूँ। एक्सपायरी डेट लिखी, हाँ जी, ये 2019 का फेब का है, 2019 यानी फेब 19 का ये बना है। और एक्सपायर ये कब होगा, 1 2022 में एक्सपायर होगा। तो अच्छा खासा इसका टाइम भी है अगर हम इसको रेगुलर नहीं यूज करते हैं। रेगुलर इन द सेंस, इसमें तो लिखा है कि आप इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए वीक में दो बार इसे लगाएं। लेकिन आपकी इच्छा है और आप इसको कितनी बार लगाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि गाइज ये कोई बहुत आयुर्वेदिक चीज तो है नहीं जो हम इसको अपनी स्किन पे डेली लगाएंगे। इसमें खुद भी लिखा है कि वीक में दो बार है, बाकी आपकी इच्छा है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि इसको किस तरह लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या करना है कि इसको पहले हम अपना फेस को एक किसी भी माइल्ड फेस वॉश से वॉश कर लेंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा फेस वॉश है जिसका मैंने वीडियो भी बनाया है और वो खादी का है, तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो उससे आप अपने फेस को बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए और अपने फेस को अच्छे से सुखा लीजिए। और हाँ, अगर आपकी स्किन में छोटे छोटे दाने हैं और ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं तो इसको लगाने से पहले आप एक छोटा सा अमाउंट स्क्रब का लेके और अपने फेस पे खूब अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। इसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, मैं लिंक डाल दूंगी, आपको अगर आप देखना है स्क्रब के बारे में कि किस तरह यूज किया जाता है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो स्क्रब से हमने फेस को अच्छे से स्क्रब कर दिया और उसके बाद वॉश करके क्या करना है, चेहरे को एकदम ड्राई रखना है जब भी हम इसे अप्लाई करें। इस चीज पे आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे, हमारा फेस फुल्ली ड्राई होना चाहिए। क्योंकि एक तो ये सूखने में अच्छा खासा टाइम लेता है, प्लस अगर आपका फेस ऑलरेडी गीला रहेगा तो फिर ये और टाइम लेगा उसको सूखने में और उतना अच्छे से इफेक्ट भी नहीं देगा। और इसको चलिए हम लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, मैंने इसका अमाउंट आपको नहीं बताया है। इसका अमाउंट है 110 रुपीज और ये है, इसका वेट कितना है, ये 90 ग्राम्स का है। तो अच्छा खासा अमाउंट है, ऐसी बात नहीं है। और इसमें लिखा है कि थिन लेयर लगानी है, बहुत थिन भी नहीं और बहुत थिक भी नहीं। तो मैं डायरेक्ट अपने फिंगर्स पे ले रही हूँ। ये देखिए, ये इस टाइप का है, रनी है ये। और इसको लगा लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फोरहेड से। मेरा फेस मैंने वॉश कर लिया है शैम्पू और फेस वॉश से और उसके बाद फिर मैंने स्क्रब भी किया है हल्का सा। और अब मैं इसे अपने फेस पे लगा रही हूँ। गाइज, इसको लगाने से मतलब मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, जो 20 के नीचे के लोग हैं वो लोग इसको ना लगाएं, और जिनकी एज 20 से ऊपर है वो इसे लगा सकते हैं। बाकी ये कितना इफेक्ट देता है वो अभी आप देख लीजिएगा। और गाइज, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं जो ग्लो मेरे फेस पे आ रहा है वही ग्लो आपके फेस पे भी आए। सबका अपना अलग अलग स्किन होता है, तो हमें उसी हिसाब से अपने फेस पे लगाना है। बाकी ये आपकी इच्छा है कि आप इसको हफ्ते में दो बार लगाते हैं, एक बार लगाते हैं, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसा भी आपको सुटेबल हो। इसको बहुत मोटा भी मत लगाइएगा गाइस, क्योंकि अगर आप बहुत मोटी लेयर इसकी लगा देंगे तो वो ड्राई होने में अच्छा खासा टाइम लेगा। और अगर आप इसकी पतली लेयर लगा देंगे तो जानते हैं आपको क्या प्रॉब्लम होगी, फिर ये छूटेगा नहीं अच्छे से। और जब ये अच्छे से नहीं छूटेगा तो स्किन पे फिर वो इफेक्ट भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि इसको छुड़ाने में भी एक रीजन है कि इसको इस तरह क्यों छुड़ाया जाता है, अभी मैं बात करते करते आपसे इस टॉपिक पे भी बात करूंगी। तो आप चाहें तो इसको गाइज नेक पे भी लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है कि फेस पे ही ठीक होगा। मैं थोड़ा देख लूं,
ठीक लग गया है, बाकी बहुत लिप्स के भी नजदीक नहीं जाना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा गाइस। बाकी लग गया है मेरे फेस पे। इसको हमें 10 से 15 मिनट, इसमें तो लिखा है, इसमें टाइम कितना है, 15 से 20 मिनट, लेकिन आप अपने स्किन के हिसाब से देखिएगा कि आपकी स्किन कब ड्राई हो जाती है। जैसे आप ये पैक आपकी स्किन पे कब ड्राई हो रहा है उसी हिसाब से फिर आप अपना पैक को छुड़ाइएगा। तो अभी मैं इसको लगा ली हूँ अच्छे से, और अब मैं 20 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ, फिर हम इसको हटाएंगे, ठीक है। हाय गाइस, ये देखिए ये अच्छे से सूख चुका है और मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मेरा फेस बहुत खींचा खींचा सा लग रहा है, और आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से शाइन भी आ रही है इसके अंदर, देख रहे हैं ना। तो ये देखिए, अगर आप छूने से देखिए ये इतना चिकना चिकना सा लग रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपका खूब अच्छे से ड्राई हो गया है। तब हम इसे ऊपर से ऐसे निकालना शुरू करेंगे इस तरह से गाइस। इसका एक गोल्डन वाला भी पील ऑफ मार्क्स आता है, वो भी बहुत अच्छा है, और ये भी बहुत अच्छा है अपने हिसाब से। देखिए इस तरह छुड़ाना है और इसको ऐसे छुड़ाना है गाइस। इसको छुड़ाने से कुछ हम मुझे पेन वगैरह उस तरह से नहीं हो रहा है। ये देखिए, अगर मैं इसकी बहुत मोटी लेयर लगाती तो भी ये अच्छे से नहीं छूटता, और बहुत पतली लेयर लगाती तो भी ये अच्छे से नहीं छूटता, बट मैंने एक इक्वल लगाया है, इस वजह से ये अच्छे से मेरा छूट गया है। और जहाँ भी थोड़ा बहुत देखिए, इसको छुड़ाने से मुझे यहाँ यहाँ सन 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 से हो रही है, जलन नहीं हो रही है, लेकिन ये बता रहा है कि ब्लड सर्कुलेशन खूब अच्छे से हो गया हमारे फेस पे। इसको लगाने से हमारे चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, छोटी मोटी जो डस्ट होती है हमारे पोर्स में वो भी निकल जाती है, और प्लस एक देखिए आप खुद देखिए, एक अच्छा सा हेल्दी सी ग्लो और क्लीन सा लग रहा है मेरा फेस, है ना। तो इसको इसी तरह नहीं छोड़ देना है, इसे हमें अच्छे से धो लेना है। तो मैं अपने फेस को पानी से अच्छे से धो के फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए मैंने अपने फेस को पानी से बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, और अब मुझे अपनी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है वो क्या करें, वो लें रोज वाटर। मैंने इसी में अपना रोज वाटर स्प्रे की बॉटल है उसी में रख लिया है, और इसको अपने फेस पे इस तरह करके और ऐसे एब्जॉर्ब होने दें। और जिनकी स्किन ड्राई है गाइस, वो क्या करें, वो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लें और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लें, क्योंकि स्किन को बेयर नहीं छोड़ना है। और फिर अब हमारी स्किन एकदम साफ हो चुकी है, डस्ट निकल चुका है, तो अगर हम अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, फिर से हमारी स्किन के अंदर गंदगी चली जाएगी। तो क्या करना है हमें, कहे अपनी स्किन पे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लेना है अगर हमारी स्किन ड्राई है, और अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें एक अच्छा सा गुलाब जल लेना है और अपने पूरे फेस पे लगा लेना है। और उसके बाद अगर आपको मेकअप करना है तो आप मेकअप करने के लिए एकदम रेडी हैं। अगर आपकी स्किन को ऐसे ही छोड़ देना है तो आप स्किन को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मेथड और सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है इसका, और ये टैन रिमूव करता है नेचुरल, इसको एक जैसे वो गोल्डन पील ऑफ मार्क्स है और ये नेचुरल ग्लो वाला है, तो ये भी बहुत अच्छा है। और आप मुझे देख ही रहे हैं मेरे फेस को, काफी मेरा फेस मुझे क्लियर दिख रहा है। तो बाकी ये आप पे डिपेंड करता है, और अगर आपको ये यूज करना है तो आप कर सकते हैं, और मुझे जरूर बताइएगा कि यूज करने के बाद कि आपको कैसा इसका इफेक्ट लगा। एक बहुत अच्छा सीरम भी है, अगर आपको सीरम लगाना है इसके बाद आप अपने फेस पे सीरम लगा के और सो सकते हैं। जैसे रात में आपने सब कुछ अपना ये सब किया, और फेस को जब इसको लगाने के पास जब आप फेस धुलेंगे तो आप सीरम लगा के और सो जाइए, ये भी बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको पार्टी जाना है तो भी आप इसको लगा के और साफ करके और रोज वाटर और या फिर मॉइस्चराइजर लगा के आप अपना मेकअप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको यूज करना है वो आपका तरीका है। और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये जानकारी कैसी लगी, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस तरह की अगर कोई भी नॉलेज आपको चाहिए या किसी चीज की प्रोडक्ट की आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं जरूर उसके लिए कोई ना कोई एक वीडियो बनाऊंगी। तो बाय।
टेक केयर.